बकरे स्पेशल में मैं बना रही हूँ ग्रीन मटन। ग्रीन मटन बनाने के लिए मैंने 1 kg मटन ले लिया है। उसे अच्छे से मैंने वॉश करके उसमें मैंने 3 टेबल टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया। फिर ग्रीन कलर ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर सॉल्ट ऐड किया मैंने, देन इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए इस तरह कि सारी बोटियों पे थोड़ा कलर आ जाए। देन मैंने कुकर में से इस तरह से ऐड कर लिया है। देन इसमें मैं सारे फुल स्पाइसेस डालूंगी, जैसे दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची और बड़ी इलायची ऐड करूंगी, और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करके इसकी लीड लगा दूंगी। 2 विसल्स आने के बाद हम इसे चेक करेंगे। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यम्मी बना था। तो चलो अब ये हो गया है रेडी, अब इसकी ग्रेवी बनाते हैं। उसके लिए मैंने पानी को अच्छे से बॉईल किया, उसमें मैंने प्याज ऐड की, उसे बॉईल की और इस वाटर को मैं फेंक दूँगी। देन मैंने इसमें जैसे घी में सारी बोटियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। बोटियाँ अच्छे से फ्राई हो गई, बहुत अच्छी लग रही थी। अब हमें बनाना है ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने जो लिया है, धनिया, हरी मिर्ची और पुदीना, इन तीनों को ले लिया है और इसे इस तरह से ग्राइंडर में मैंने इसे पीस लिया है। ये देखिए दोबारा मैंने धनिया को पीसा है क्योंकि धनिया में ज़्यादा ले रही हूँ। अब मैं इसमें कर्ड, 3 से 4 चम्मच कर्ड ऐड कर दूँगी। तो ये रेडी है ग्रेवी। इसमें मैंने प्याज भी ऐड करके पीस लिया था। अब मैंने फिर से सेम कढ़ाई में ही पत्ता ऐड किया और उसमें ग्रेवी को ऐड कर दिया। इसे 5 से 6 मिनट के लिए कुक होने दिया और उसमें मैंने गोश्त को ऐड कर दिया है। इसे 5 से 10 मिनट तक के कुक होने देंगे ताकि अच्छे से मसाले में बढ़िया मिक्स हो जाए। ये देखिए बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना था और बहुत लाइट था, ज़्यादा हैवीनेस नहीं।